महाराष्ट्र में मुंबई में रामलीला का त्यौहार मनाने की बहुत बड़ी परंपरा है। इस जो त्यौहार में बड़े बड़े ग्राउंड पर सोशल डिस्टेंसिंग का ही मर्यादा रखते हुए और कोविड-19 के सभी नॉर्म्स रखते हुए रामलीला हम आसानी से मना सकते हैं, और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि रामलीला मनाने के लिए वो परमिशन दे। मंदिर खोलने के लिए नहीं दे रहे, रेस्टोरेंट बार मॉल के लिए दे रहे, कम से कम रामलला का कार्यक्रम करने के लिए तो कम से कम वो परमिशन दे। इस प्रकार की विनंती मैं उनसे करता हूँ। पिछले कई सालों से राम के नाम पे वोट बटोरने वाली भारतीय जनता पार्टी के कुछ मुंबई के नेता अब रामलीला के नाम पे लोगों को सहानुभूति लेने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री जी से वो मांग कर रही है कि नवरात्रि अभी शुरुआत हो रही है और पिछले कई सालों से रामलीला होते आ रही है मुंबई में, तो रामलीला को परमिशन दी जाए। आप ये सभी लोग जानते हैं कि रामलीला के वक्त बहुत सारी भीड़ होती है और भीड़ काबू पाना मुश्किल हो जाती है, उसकी वजह से कोरोना बढ़ सकते हैं। माननीय पंतप्रधान जी ने 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी और देश को संबोधित करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को नागरिकों को कहा था कि कोरोना अभी तक खत्म नहीं हो गया, इस कोरोना को खत्म करने के लिए सभी लोग एक दूसरे को सहकार्य करें, सभी लोग सरकार को सहकार्य करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम पंतप्रधान जी ने जो आपको आग्रह किया, वो आग्रह का जरूर आप भान रखिए।